हेलो गाइस, इट्स शिवानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरे कॉलेज की, SHKM शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इसका कैंपस टूर, अभी तक मैंने ये शूट नहीं किया था, एक साल हो गई है, तो फाइनली मैं कर रही हूँ। तो ये है कॉलेज का मेन गेट, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है क्योंकि ये टूट के दोबारा नया बन रहा है। भाई ये हमारा बिट्टा है, यहाँ से हम सारा सामान लेते हैं। ये भैया बहुत सीरियस रहते हैं हमेशा, कभी स्माइल नहीं करते। यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह यहाँ से डायरेक्ट जाती है इमरजेंसी की तरफ, और यहाँ से हम लोग जाते हैं रिफ्रेशमेंट। हाँ, जिसके पैसे भी हमने खुद दिए हैं। अभी बजट कम है हमारा, हाँ सपोर्ट करो हमें। ये कॉलेज के एंट्रेंस से दो रास्ते जाते हैं, ये वाला जो है सामने ये जाएगा लाइक कॉलेज के पीछे की तरफ से, एनिमल हाउस वगैरह है वहाँ से, और जो दूसरा वाला है वो गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल की तरफ जाता है। तो हम आपको लाइक जो एनिमल हाउस है उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये पार्किंग एरिया है पूरा, ये हमारा जो कॉलेज है जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं उसकी बैक साइड है। हाँ, ड्रेस का यही कलर होने वाला है। विनीत इसलिए पहन के आया ताकि बता सके कि हाँ ड्रेस कोड क्या है। हमने थंबनेल बनाने में बहुत मेहनत की है और स्माइल को होल्ड करके रखा काफी देर तक, है ना? खुद को एडजस्ट किया कैमरे में आने के लिए। ये नहा के आया और ये है एनिमल हाउस। पता नहीं इसमें क्या है, हमने तो कभी कुछ देखा नहीं है, बट कोरोना के टाइम पे यहाँ पे वैक्सीन वगैरह लगती थी ये तो पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर। हमारे कॉलेज के पीछे पहाड़ हैं तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे योगा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सच में? हाँ, कॉलेज फेस्ट वगैरह के टाइम पे जो भी योगा का होता है यहाँ पे होता है। ये योगा करके दिखाएगा हमें एक भाई वृक्षासन कम सीधा पोल ज्यादा लग रहा है। हमारा ऑडिटोरियम है, चलिए गाइस। नाम है आनंदी भाई ऑडिटोरियम और ये पीछे से भी रास्ता जाता है इसका, पूरा लाइक इसके चारों तरफ है। शाम को यहाँ पे घूमते भी हैं बच्चे। काफी बड़ा ऑडिटोरियम है ये, अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं दिखा भी चुकी हूँ आपको एक दो वीडियोस में, आपने देखा होगा। अब हम लोग जा रहे हैं मतलब ऑडिटोरियम के बाहर की तरफ। बाहर में लाइक कैंटीन है, साइड में ऊपर जिमनास्टिक रूम है, ये सब है। इस तरफ था ऑडिटोरियम, मद्रास कैफे, मद्रास कैफे, इस तरफ है मद्रास कैफे और ऊपर हमारी जिम है। ये जिमनास्टिक रूम। यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई फेस्ट वगैरह होता है तो उसके डांस की प्रिपरेशंस वगैरह, रिहर्सल वगैरह सब यहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मिरर लगे हुए हैं ना, तो ईजी होता है डांस करने में। ये है कैरम रूम, अभी अंधेरा। अभी हो गया है अंधेरा तो अच्छे से व्यू दिख नहीं रहा, तो बाकी की वीडियो हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो ये है बास्केटबॉल कोर्ट और इसमें जितने भी लड़के खेल रहे हैं ये अपने ही मेंबर खेल के दिखा रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड एरिया है जहाँ पे फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट होता है, हाँ क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है और भी बाकी सारी चीजें यही होती है। हम लोग क्लास के लिए भी यहीं से जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल होते हुए। एल टी एरिया की एंट्री भी यहीं से है, पीछे से बहुत सारी एंट्री है ताकि बच्चे कहीं से भी बंक कर सकते हैं, मतलब आजू बाजू में। ये हमारा स्पेशल गेस्ट, ये हमारा टूटा हुआ नेट है, देख लो, देख लो बच्चे कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये मेहनत दिखा रहा है बच्चों की। ये एंटी एरिया का पीछे का गेट है, यहाँ थोड़ा आसपास की गंदगी को इग्नोर करें, हमारे टूटे हुए गेटों को इग्नोर करें। ये एलटी का पार्क है, यहाँ पे किसी का मन कर रहा हो सुसाइड करने का तो ये कुआ है, यहाँ पे कूद सकता है। यहाँ हमारी क्लासेस होती हैं, यहाँ पे थर्ड ईयर वाली होती हैं, यहाँ पे सेकेंड ईयर की होती हैं, क्योंकि क्लासेस बहुत कम होती हैं, बस फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ही रगड़ते हैं अच्छे से, तो इसलिए उनकी ज़्यादा होती है, मतलब हमारी लैब वगैरह। और ये है हमारा एलटी, ये हमारा है स्टूडेंट कॉमन रूम, यहाँ पे हम रेस्ट करते हैं जब लाइक क्लास में हमें क्लास से निकाल दिया जाता है तो हम यहीं बैठ के रेस्ट करते हैं। हाँ ये एक और है, ये हमारा एक न्यू मेंबर आते हुए शमीमा। हाँ ये झूला झूल रहे हो, ओके
कितने अच्छे से कैसे हैं। पर फीस भरनी होगी आपको, वो जो 10 लाख का बॉन्ड भरना है वो यहीं भरना है। ये है सामने हमारी क्लासेस होती हैं, लैब होती है मतलब यहाँ पर इस वाली बिल्डिंग में। और यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए आना है, यहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिलहाल तो सब बंद हो रखा है क्योंकि हम शाम को कर रहे हैं ना शूट। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, नीचे एनाटॉमी का है, DH वगैरह, ऊपर फिजियो के, बायो केम के, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले सब बच्चों के यहीं पर हैं। एक ग्रीनरी हमारे कॉलेज की, ऊपर से हम यही देखते रहते हैं कौन सा पौधा कितना बड़ा हुआ है एक दिन में। हाँ दोस्तों, तुमने कुछ नया नोटिस किया हो तो बता दो इसके बारे में। क्या जो पौधों की ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही। कट कट। और जो सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारे एग्जाम होते हैं। इतना बड़ा है ये कि इतना गैप दे दे के हमें बिठाया जाता है कि हम बिल्कुल भी चीटिंग ना कर सके। तो ये है मास्टर लाइब्रेरी की तरफ जाता है। ये हमारी लाइब्रेरी है, ये मेन लाइब्रेरी है जहाँ पे लाइक बुक्स वगैरह इशू होते हैं। अभी बंद हो रखी है क्योंकि 4 बजे तक की टाइमिंग होती है इनकी। ये बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने की तरफ ही हमारा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के आगे पार्क है। यहाँ पर हमारी PDP होती थी, 8 से 10 यही इंटरेक्शन होता था हमारा। ये नई बिल्डिंग बन रही है अभी GR के लिए। एस्थेटिक प्लेजर देता है ये नजारा। ओके, ये है हमारा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की चलो भाई अंदर का दिखाते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। अरे ये हमारा हॉस्पिटल एरिया है अंदर से। अभी अंधेरा होने लग गया है। ये बाहर से जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली है, ये बता रखा है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट और ये हॉस्पिटल से बाहर का व्यू है। इस कॉलेज की यही बेस्ट चीज है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी है। ये नए हॉस्टल बन रहे हैं GR के लिए, इंटर्न्स के लिए, GR के लिए। बट मुझे उम्मीद है कि शायद हमें भी मिल जाए यहाँ पर कुछ। ये पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है, ओह गॉड कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर। मैं अभी तक गई नहीं हूँ पहाड़ पे, बट अब मैं जाने की सोच रही हूँ। नई बिल्डिंग का पार्किंग एरिया है और पार्किंग एरिया में इतनी अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाई हुई है। सारी देख के इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही थी, आप लोगों को भी देख के लग रहा होगा कि हाँ कितनी अच्छी चीजें यहाँ पे बनाई हुई है। काफी तारीफ भी इसकी करते हैं जो भी लोग देखते हैं। ये डॉक्टर्स के यहाँ पे फीमेल हॉस्टल, आगे वाला मेल, और ये पीछे हमारा गर्ल्स हॉस्टल। ये वॉलीबॉल कोर्ट जो कि बॉयज हॉस्टल के अंदर है। ये बॉयज हॉस्टल है, 4 है, लाइक हर बैच के अलग अलग है। बस इतना ही था कैंपस टूर और इसका सेकंड पार्ट, मतलब जो बिहाइंड द सीन जो फन मोमेंट्स हैं, तो उसकी वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे आएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बाय।